तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं जल्दी से नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कितने लोग दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो पूरा वीडियो है दिल्ली के ऊपर ही बेस रहने वाला है। और कुछ बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम है लगातार 15 दिन से बढ़ रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर महंगे हो चुके हैं। अब ऐसे में यार बाइक लेने की मैं सोच रहा था तो वो भी नहीं सोच सकता क्योंकि इतना मतलब बहुत ही महंगा पड़ेगा ये चीज़ सब चीज़ें। तो अभी क्या शुरुआत दिल्ली में, स्विच दिल्ली नाम की एक स्कीम शुरू हुई है जिसको कि जो दिल्ली के सीएम है उनकी तरफ से परमिशन मिल चुकी है। अब स्कीम के क्या रहेगा जानेंगे इस वीडियो में, और क्या कुछ फ्यूचर रहने वाला है व्हीकल्स का ये सब वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जल्दी से वीडियो करें लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए तो चैनल करें सब्सक्राइब। और चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, देख लेते हैं क्या कुछ स्विच दिल्ली में है। दोस्तों यहाँ पर जो 2021 की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी वो आ गई है और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब मैं बात करूँ पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते ही यहाँ पर 465 जो ईवी गाड़ियाँ हैं, मैं ईवी शब्द बार बार बोलूँगा क्योंकि ईवी शब्द जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिकेट करेगा यहाँ पर, तो ईवी गाड़ियाँ जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। और सरकार का मानना अगले 6 महीने में 2000 कार जो है आपको ईवी कार वो रोड पर दिखेंगी। तो यार ईवी को देखकर काफ़ी जो सरकार है अपने जो मेहनत कर रही है लोगों तक ईवी कार पहुँचाने की। अब यहाँ पर सरकार कहना है कि वो 3 लाख तक की जो छूट है वो जो कस्टमर होगा उसको यहाँ पर देगी जो 4 व्हीकल की कार होंगी। मैं बाइक की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ईवी बाइक भी आ चुकी है, उसकी बात बाद में करेंगे। 3 लाख तक की छूट अब कैसे मिलने वाली है, सबसे पहले आप जो कार खरीदेंगे उस पर 1.5 लाख की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और उसी के साथ में आपको जो रोड टैक्स जो होंगे आपको वो मतलब फ्री कर दिए जाएंगे। आपको अपनी उस कार पर कोई भी रोड टैक्स यहाँ पर नहीं देना है। और यहाँ पर नई पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट कस्टमर को दिए गए हैं 3 लाख के अलावा भी। अभी जो आप कार परचेज करते हो और अब जो आप कार परचेज करेंगे उसमें 30% का डिस्काउंट आपको कार पर मिलने वाला है, ईवी कार की मैं पर बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने पिछले ही गुरुवार को एक आदेश जारी कराया जहाँ पर दिल्ली में जो भी सरकारी कार होती है, यानी कि आपके डाक खाने की कार हुई या फिर आपके कचरे की कार हुई, काफ़ी सारी कार यूज होती है सरकारी काम में, वहाँ पर वो जो कार होंगी वो कन्वर्ट कर दी जाएंगी ईवी कार में। यानी कि अगले 6 महीने में आपको लगभग 2000 सरकारी गाड़ियाँ जो है ईवी दिखने वाली हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे सीएम है दिल्ली के, उनका जो प्रतिक्रिया रही वो काफ़ी खुश रहे और उन्होंने एक ट्वीट भी करा कि ये चीज़ें जो है आपके पोल्यूशन को कम करेंगी और एक लंबी जो दूरी है उसको तय करेंगी। और जैसे कि हम जानते हैं जो दिल्ली है काफ़ी आधुनिक होती जा रही है टेक्नोलॉजी के मामले, तो हमें दिल्ली पर गर्व होना चाहिए, ऐसा कुछ ट्वीट उनकी तरफ से आया। लगता था ट्वीट से काफ़ी खुश है, जो कि हमारी डीजल है पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो ईवी में कन्वर्ट होने वाली हैं। और दिल्ली सरकार इस चीज़ की जो जागरूकता है लोगों तक यहाँ पर पहुँचा रही है, और अगले 8 हफ्ते तक यहाँ पर जो लोगों को अवेयर कराया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे क्या हैं, भाई आपको क्यों परचेज करनी चाहिए, कैसे आप जो इन्वायरमेंट को इससे सुरक्षित करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा, वो सब चीज़ें। लोगों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने कहा अगर हम यहाँ पर डेली अपने ऑफिस आते जाते हैं और जो रेंज रहने वाली है हमारी वहाँ पर गाड़ी की, अगर उसके अंडर में आती है तो हम यहाँ पर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यहाँ पर परचेज करेंगे और उसी को यूज़ करेंगे, उससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। और गवर्नमेंट का कहना है कि आप अगर ईवी जो व्हीकल है उसको यूज़ करते हैं तो अपने जो पेट्रोल अभी जो रेट चल रहा है पेट्रोल डीजल का उस पर डिपेंड रहे तो 1050 रुपये आप हर महीने बचा सकते हैं। और भाई अगर हम ईवी जो व्हीकल है उनको परचेज करें तो आने वाला जो हमारा समय है यानी कि आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अब जो पेट्रोल डीजल है हमें पता है एक दिन तो खत्म होना ही है, तो हमें स्विच करना ही है ईवी पे, तो भाई जब करने से अच्छा अभी क्यों ना करें। अब मैं बाइक लेने की सोच रहा था, जैसे कि अपना एग्जाम्पल दो तो अपनी जो बाइक अब लेने का मन है वो यहाँ पर ईवी बाइक लेने का मन है। और आपको मॉडल भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर RV 400 एक बाइक है, काफ़ी अच्छी है और मतलब मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। और सिंगल चार्ज में आपकी 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक चल जाती है, यानी कि मेरा ऑफिस से आना जाना हो जाएगा उससे रोजाना की। तो यहाँ पर एक पेट्रोल बाइक ना लेकर ईवी बाइक ही परचेज करनी चाहिए, उससे काफ़ी आपको फायदा रहने वाला। और साथ में यार जो सर्विस वगैरह होती है ना बाइक की, और वो भी यहाँ पर बहुत ही कम रहने वाली है क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट इतने ज़्यादा होते नहीं है आपके, सिर्फ आपका मोटर होती है और बैटरी होती है, और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं रिवोल्ट की वेबसाइट पर क्या कुछ है। और कार की बात करें तो यहाँ पर टाटा की तरफ से भी नेक्सन आ गई है, तो उस कार पर भी आप जा सकते हैं। हालांकि महंगी है, 14 लाख के राउंड में है अभी, लेकिन उसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर है। तो यार आप सिंगल चार्ज में यानी कि 1.5 घंटे में आपकी वो कार चार्ज होती है और 500 किलोमीटर चलती है। और जो आपके चार्जिंग स्टेशन है दिल्ली में, अभी तो यहाँ पर 3 चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल भी हैं जो कि रिवोल्ट के लिए रहने वाले हैं, और धीरे धीरे जैसे भी आगे सरकार इसको बढ़ाएगी तो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी इलेक्ट्रिक बाइक्स थी उनके ऊपर वीडियो बनाया था, वहाँ आपको बताया था, और फाइनली ये चीज आ चुकी है। मैंने सबसे पहले भी कहा था कि आने वाला जो टाइम है ईवी का ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, और यहां पर मैंने उस टाइम बताया था आपको अगर मैं कभी कोई व्हीकल परचेज करने की सोचूंगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाना चाहूंगा। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, साथ में लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और यार जल्दी से मुझे यह भी कमेंट करिए कि आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना या नहीं लेना, और
चाहते हैं तो क्यों लेने जाते हैं, नहीं चाहते तो आप फिर क्या आपको इंप्रूवमेंट इस चीज में चाहिए, इस बारे में भी कमेंट करिए। साथ में चैनल पर नए तो चैनल करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन को। मैं मिलता हूं आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।